आप विधायक अमानत उल्लन खान के घर पर ईडी की रेड और विजेंद्र गुप्ता का रेड पर बयान सामने आया है। अमानत उल्लन खान ने इमामों की तनख्वाह में गड़बड़ी की, 19 करोड़ के इमामों की तनख्वाह में गड़बड़ी की और एमसीडी स्कूल खाली करवाकर दुकानें बनवाकर ठगी की। वक्फ बोर्ड मेंबर्स ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की। अमानत उल्लन खान ने 162 गलत तरीके से भर्तियां की। लगातार ईडी की रेड पर बयानबाजी लगातार जारी है और ऐसे में विजेंद्र गुप्ता का रेड पर बयान भी सामने आया है। जिसने 19 करोड़ रुपए की इमामों की तनख्वाह में गड़बड़ी की, जिसने फतेहपुरी में जो एमसीडी का स्कूल था, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, उसको खाली करा के उस पर दुकानें बना के उससे लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए इलीगल तरीके से। अमानतुल्ला खान जिस पर वक्फ बोर्ड के 7 में से 4 मेंबर्स ने उसके खिलाफ शिकायत की भ्रष्टाचार की, अमानतुल्ला खान ने 162 इलीगल भर्तियां की और उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ। अमानतुल्ला खान जिसकी बारे में आम आदमी पार्टी के लोग उसको ये बता रहे हैं, वो एक नोटोरियस भ्रष्टाचारी और एंटी सोशल एलिमेंट है। लेकिन जब हाई कोर्ट ने रिलीफ देने से मना कर दिया, हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार से ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने से मना कर दिया, इससे पहले भी एसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया, 11 दिन जेल में रहा और अब चूंकि कार्रवाई आगे बढ़ रही है, हाई को एक प्रकार से अगर हम ये कहें कि हाई कोर्ट के आदेश से सारी कार्रवाई हो रही है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के लोगों से कि वो इस तरह की गुंडाई को, इस तरह के भ्रष्टाचार को, इस तरह से वफ की प्रॉपर्टीज में भ्रष्टाचार करने वालों को इस तरह वो अगर प्रस्तुत कर रहे हैं तो दिल्ली की जनता को, देश की जनता को किस तरह केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है वो गुमराह करती है, झूठ बोलती है, ये सच आज सबके सामने आ। जिसने वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लगातार विशाल बने हुए हैं। विशाल, आप विधायक के घर ईडी की रेड जारी है और ऐसे में विजेंद्र गुप्ता का रेड पर बयान सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमानतुल्लाह खान ने इमामों की तनख्वाह में गड़बड़ी की। इन आरोपों में कितनी सच्चाई? बिल्कुल सोनिया, विजेंद्र गुप्ता जो कि दिल्ली विधानसभा में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष बने हैं हाल ही में, उनकी तरफ से भी काफी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं अमानतुल्लाह खान के ऊपर। लगातार सभी बीजेपी के नेताओं की जो है एक प्रतिक्रिया सामने आ रही है, हमारी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और इस बीच अमानतुल्लाह खान के घर पे रेड भी जारी है। देखने वाली बात है कि ईडी जो है अभी पिछले 2-2.5 घंटे से उनके आवास पर रेड कर रही है, जहां पर उनके परिवारजन भी मौजूद है, उनकी बीमार सासूमा भी मौजूद है। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से वीडियो स्टेटमेंट जारी की जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि एक बीमार घर पे जो है उनकी ईडी कार्रवाई कर रही है। इससे पहले सीबीआई ने कार्रवाई की, एसीबी ने कार्रवाई की, लेकिन कोई भी जो है इन्हें सबूत नहीं मिला, कोई भी एक पैसे की बरामदी नहीं हुई। इसके बावजूद लगातार जो है शिकंजा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो आज जो कार्रवाई हो रही है इस पर विजेंद्र गुप्ता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और काफी संगीन आरोप लगाए हैं, काफी करोड़ों के फंड के घोटाले के आरोप, दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है इसको लेकर लगाए गए हैं। तो ये आरोप कितने सच होते हैं ये ईडी की कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा कि ईडी को कुछ बरामद होता है या नहीं, ये अब आज शाम तक ही जो है पता चल पाएगा। सोनिया जी, विशाल सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।